में योगी सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला हमीरपुर के सरीला ब्लॉक क्षेत्र में पुरैनी गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षा के मंदिर का क्या हाल है उसकी कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई है। जी हां, इस विद्यालय के कमरों में ताला पड़ा हुआ है और छात्र वरांडे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। गर्मी, ठंड हो या बरसात, बच्चे कमरे के बाहर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल क्लासरूम में बच्चों के बैठने की जगह भूसा भरा पड़ा है। यह भूसा गौशाला के लिए आया हुआ था, लेकिन इसे स्कूल के कमरों में भर दिया गया। वहीं जब इस बारे में प्रधान अध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो कमरों में भूसा भरा था। साथ ही प्रधान अध्यापक ने बताया कि स्कूल में भूसा ग्राम प्रधान ने डाला है। विद्यालय में भूसा, अब ये गर्मियों की छुट्टियों में मई जून के महीने में ये डलवा दिया। जब विद्यालय खोले हैं जुलाई में तो भूसा पड़ा था यहाँ पे, तो हो सकता है कि गांव वालों ने ये गौशाला के पर्पज से डाल दिया है। कमरे तो निष्प्रयोग थे। किसने डलवाया भूसा? अब भूसा सुनने में आया कि ग्राम प्रधान ने डलवाया है। जी सर, पुरैनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रकरण संज्ञान में आया है कि विद्यालय में भूसा भरा है। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से मौखिक रूप से वार्ता की है, बात किया, उसको निर्देशित किया है कि तत्काल स्थल में जाकर के उसकी जांच करें और देखें उसमें क्या है कारण, और पूरी आख्या हमको दें, और आख्या आ जाने के पश्चात में जो भी विधि कार्रवाई होगी मैं तत्काल करता हूँ। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामला संज्ञान में आने के बाद मामले की जाँच के आदेश दे दिए और जाँच के बाद दोषी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।